सनी देओल की गदर 2 ने 2023 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पाई है। शाहरुख खान की पठान के बाद गदर 2 ने पहले दिन देश भर से 40.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म 35 करोड़ रुपए के आसपास खुल सकती है, मगर सभी समीकरणों को तहस नहस करते हुए इस फिल्म ने पहले दिन बाजा फाड़ कमाई की है। गदर 2 को क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया, बावजूद इसके फिल्म की धांसू ओपनिंग बताती है कि गदर की लेगेसी कितनी मजबूत है। इसमें नॉस्टैल्जिया फैक्टर ने भी अहम भूमिका निभाई है। 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म है पठान। शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2023 की सबसे ज्यादा ओपनिंग पाने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर पठान है, जिसने 57 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद गदर 2 आ गई है, जिसने 40.1 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे नंबर पर आदि पुरुष है, जिसने पहले दिन 36 करोड़ रुपए कमाए। चौथे नंबर पर किसी का भाई किसी की जान है, जिसने पहले दिन 15.81 करोड़ रुपए कमाए। वहीं पांचवे नंबर पर तू झूठी मैं मक्कार फिल्म है, जिसने पहले दिन 15.73 करोड़ रुपए कमाए। गदर 2 की कमाई को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं था, मगर एक हफ्ते पहले तक किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि फिल्म 40 करोड़ टच कर जाएगी। पिछले 48 घंटों में फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देश के टॉप 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स में फिल्म की एडवांस बुकिंग 2.5 लाख के आसपास रही। वहीं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में इसने पठान की एडवांस बुकिंग को भी पीछे छोड़ दिया। सिंगल स्क्रीन में भी मामला 1.5 से 2 लाख के बीच रहा। इस आधार पर फिल्म की 30 करोड़ की ओपनिंग तो लॉक हो गई थी, मगर स्पॉट बुकिंग्स की मदद से आंकड़ा 10 करोड़ और उछल गया। गदर 2 ने ये नंबर अक्षय कुमार की OMG 2 के साथ क्लैश के बावजूद हासिल किया, वरना पहले दिन सनी देओल स्टारर इस फिल्म की कमाई 50 करोड़ भी पहुंच सकती थी। ये तो हो गई शुक्रवार की बात। गदर 2 ने रिलीज के लिए बहुत मुफीद समय चुना, क्योंकि इससे उन्हें 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिन लंबा वीकेंड तो मिलेगा। 14 को सोमवार है और 15 अगस्त को फिर से छुट्टी होगी। बेसिकली गदर 2 को कमाई के लिए 5 दिन का समय मिल गया। जब तक लोग फिल्म के कंटेंट की बात करना शुरू करेंगे, तब तक गदर 2 200 करोड़ रुपए के अराउंड कमाई कर चुकी होगी, क्योंकि इस फिल्म के 15 अगस्त तक के ढेर सारे टिकट्स एडवांस में बुक्ड हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक फिल्म को पसंद कर रही है। सनी देओल की पिछली थिएट्रिकल रिलीज थी चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। इस फिल्म में सनी के साथ दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी ने लीड रोल्स किए थे। क्रिटिकल अक्लेम के बावजूद इस फिल्म ने पहले दिन मात्र 3.6 करोड़ रुपए कमाए। गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए लगन ड्रॉप सिनेमा। शुक्रिया।